हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने एडमोब के अकाउंट को कैसे क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ से ओपन करना है एडमोब। यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाता है। सबसे पहले आपको साइन इन पे क्लिक करना है और आपको अपने ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से साइन इन हो जाना है। साइन इन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। पहले इसमें सारा जो डिटेल है उसको आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम फिलअप कर लेते हैं। अपनी कंट्री आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ से टाइम जोन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे बिलिंग जो है वो यहाँ पे US डॉलर यहाँ पे ऐड कर लेना है। कर लेने के बाद सारी डिटेल आपको फिलअप कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। तो नीचे आपको टिक कर देना है और यहाँ पे क्रिएट एडमोब अकाउंट पे जस्ट क्लिक कर देंगे। तो इस टाइप से आपको सारे स्टेप्स कंप्लीट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप देख सकते हैं पे कंफर्मिंग ईमेल। कोई भी यहाँ पे अपडेट आता है तो आपको कौन कौन सा जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आपको अपने ईमेल पे चाहिए उसको आपको यहाँ पे टिक करना होगा। तो यहाँ से आप इसको रीड करके आप इसको टिक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि कौन कौन सा आप यहाँ से जो अपडेट अगर आता है एडमोब की तरफ से तो आपको ईमेल पे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ से हम जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और क्लिक हो जाने के बाद आपको अपनी ऐप का जो फ़ोन नंबर होगा यहाँ से आपको फ़ोन नंबर ऐड कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा फ़ोन नंबर है यहाँ पे प्लस अगर इंडिया के हैं तो +91 से स्टार्ट होता है। ऐड करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे आपका एक OTP आएगा, पिन आएगा 4 डिजिट का, ठीक है। यहाँ पे 6 डिजिट का आता है, जस्ट यहाँ पे टाइप कर देंगे और यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद से आप देख सकते हैं सक्सेसफुल अकाउंट वेरीफाइड, ठीक है। तो हमारा अकाउंट यहाँ से क्रिएट हो चुका है एडमोब का। इसके बाद से कंटिन्यू टू एडमोब जस्ट इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारा जो एडमोब का डैशबोर्ड है यहाँ से ओपन हो जाएगा। इस तरह से बहुत ईजी तरीके से आप यहाँ से एडमोब का जो अकाउंट होगा यहाँ से आप क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ से अकाउंट यहाँ से हमारा क्रिएट हो चुका है। इसके बाद से अब इसमें हम जो अकाउंट है इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई जब हो जाता है तभी जो ऐड लगाते हैं हम अपने एप्लीकेशन में तभी जाकर के यहाँ पे शो होता है। तो एडमोब के वेरीफाई होने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है डैशबोर्ड। तो यहाँ से एडमोब का अकाउंट कुछ इस टाइप का ओपन होता है जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं। तो इसको थोड़ा वेट कर लेते हैं कुछ सेकेंड का। तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पेमेंट का, जस्ट यहाँ पे आपको पेमेंट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो पेमेंट का इन्फॉर्मेशन है सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप कर लेना है। तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आपको नहीं आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसेबल आता है और कभी कभी यहाँ पे इनेबल आता है। तो अगर डिसेबल आता है तो पहले आपको ऐप के अंदर जाना है, वहाँ पे कोई भी ऐड यूनिट क्रिएट करेंगे। जब ऐड यूनिट क्रिएट कर लेंगे तब जाकर यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ से आपका इनेबल हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ से मेरा इनेबल है। तो यहाँ से पेमेंट के ऑप्शन में जाएंगे और सारी अपना आपको अपने डिटेल जो है यहाँ से फिलअप कर लेना है। तो मैंने अपनी सारी डिटेल फिलअप कर लिया और यहाँ पर सबमिट पे जस्ट क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से मेरा जो अकाउंट का पेमेंट का मेथड है यहाँ से सेटअप हो जाता है। कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होके आ जाता है, ठीक है। यहाँ से हमारा पेमेंट का मेथड सक्सेसफुली हो चुका। इसके बाद से यहाँ पे कोई भी ऐड यूनिट आप क्रिएट करेंगे, ऐप पे जाएंगे, ऐड यूनिट पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ से प्लेटफॉर्म चूज कर लेना है, जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो भी आपका ऐप का नेम है तो यहाँ से आप अपने ऐप का नेम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्रिएट डन, यहाँ से डन पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड यूनिट। अगर यहाँ पे जो एप्लीकेशन आपने जस्ट अभी क्रिएट किया उसका नेम अगर चेंज करना चाहते हैं, ऐप सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से इस जो अपने ऐप जस्ट क्रिएट किया है यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो मेरा नेम है, ऐप का नेम जो भी मैंने क्रिएट किया था वो यहाँ से आप चेंज कर लेंगे। बाकी सारे जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ऐड यूनिट पे जाएंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो ऐड है इतने टाइप के सारे ऐड होते हैं। तो जस्ट यहाँ से हम एक क्रिएट करके दिखा देते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ऐड का नेम आप टाइप कर देंगे, जस्ट क्रिएट ऐड पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से जो आपका ऐड होगा यहाँ पे ऐप आईडी ऐड आईडी दोनों क्रिएट हो जाता है। तो ये थोड़ा पूरा यहाँ पे मैंने बता दिया सारा स्टेप्स कि कैसे क्रिएट करना है, कैसे अकाउंट को वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई का मैंने यहाँ पे बता दिया कैसे आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर लेंगे। उसके बाद से 24 आवर के अंदर ही आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा, मेल आपको आ जाएगा। वेरीफाइड हो जाने के बाद ही आपका जो ऐड है वो आपके एप्लीकेशन में शो होता है। तो इस तरह से आप इसको सारे स्टेप्स कर लेंगे। थैंक यू।